मंत्री के रूम में ये जिम्मेदारी मिली हम सबको। मैं आदरणीय योगी जी सभी वरिष्ठ नेताओं को पदाधिकारियों को मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो 100 दिन का लक्ष्य है आज हम सब अधिकारीगण बैठे हैं इस विभाग के, इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे, लक्ष्य क्या होगा, कार्य योजना क्या होगी, उस पर हम सब चर्चा करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कैसे करेंगे, एक गांव गरीब किसान को इसका लाभ कैसे मिलेगा, उसको स्वच्छ पानी मिले, उसको उसके खेत को स्वच्छ पानी मिले और प्रत्येक किसान को लाभ हो, इसलिए हम सब आप बैठने वाले हैं। आज बैठकर कार्य योजना बनाएंगे, उस योजना को जमीन पर उतारेंगे और इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करेंगे, इसलिए आज हम सबकी मीटिंग। सर एक सवाल है बहुत महत्वपूर्ण, बाढ़ का कार्य की तैयारियों के लिए जो है सर एक टेंडर पास किया गया था लेकिन वो टेंडर अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद ये जता दी जा रही है कि टेंडर सर ये 15 जून तक से पहले नहीं, क्योंकि जो टेंडर होता है उसमें एक महीना का समय लगेगा, जबकि मुख्यमंत्री ने 10 अप्रैल तक इस कार्य को शुरू करने के लिए कहा था, सर क्या कहेंगे? अब निश्चिंत रहो, सब समय से काम होगा, जो लक्ष्य लेगा अधिकारी जो तय है उसी हिसाब से विभाग चलेगा। पिछले 5 सालों से ये विभाग अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा। आज पर्चे बैठक के लिए आज हम उपस्थित हैं। एक बार पर्चे बैठक हो जाए, जो कार्य योजना है उसमें गति कैसे पकड़ेगा और गरीबों को लाभ कैसे मिलेगा, किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले, इसलिए विभाग है, हम अधिकारीगण कर्मचारी और हम मंत्रीगण मिलकर गरीबों की जो लक्ष्य गरीबों के लिए पानी का टेल तक पानी पहुंचे, उनके घर तक पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी मिले और सभी स्वस्थ रहे, इसके हम सब चिंता करें।